देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर एक्स और वाई ऑलरेडी दो पार्टनर है जो कि शेयर करते हैं 3:2 के रेशो में, और जी आ रहा है। अब जी को कहता है कि 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम एक्स, मतलब जी अपने शेयर का 1/4 एक्स से लेगा। अभी तक हमें जी का शेयर नहीं पता, हम जी के शेयर को एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि 1/4 अपने शेयर का, यानी कि 1/4 कितना हुआ, एक्स का 1/4 हिस्सा वो एक्स से लेगा, ठीक है। और कहता है वाई से कितना लेगा, वाई से सीधा सीधा उसने लिख दिया 3/16 शेयर लेगा वाई से। तो बेटा जी का कुल मिला के शेयर कितना होगा, एक्स का 1/4 और प्लस 3/16 जो वो वाई से ले रहा है, ठीक है। और ये टोटल हो जाएगा एक्स, क्योंकि हमने इसके शेयर को एक्स लेट करा है, तो हम मान लेते हैं कि इसका टोटल शेयर एक्स है, और एक्स का ही ये 1/4 इसको एक्स से लेना है। ध्यान रखिएगा, ये ना एक्स जो लेट करा है ये वो वाला है, और ये एक्स जो वहां पे एज अ पार्टनर है वो वाला है, ठीक है। तो एक्स उसने लिखा है ना क्वेश्चन में 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम एक्स, तो अपने शेयर का यानी कि एक्स का 1/4 किसे लेगा, एक्स से लेगा। 3/16 किसे ले रहा है, वाई से। तो ये कुल मिला के क्या बन जाएगा, वाई का शेयर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन इसको, तो देखो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा बच्चों, अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो सिंपलली इट कम्स आउट टू बी, ये देखो एक्स बाय फोर प्लस 3/16 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और ये आ गया 16, ऊपर आया 4x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे x हो जाएगा 16x, ठीक है। 16x इज इक्वल टू 4x प्लस 3। अब यहाँ पे आएगा x में से x वाला माइनस होगा कंटेंट इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/12 विच कम्स आउट टू बी 1/4। तो बच्चों x का शेयर कितना है इस क्वेश्चन में, 1/4। अब यहाँ पे क्या कहा गया था कि वो अपने शेयर का 1/4 x से लेगा, तो उसका शेयर कितना है 1/4, और उसके शेयर का 1/4 कितना हुआ 1/16। तो जो वाई जी है वो 1/16 तो लेगा एक्स से और 3/16 लेगा वाई से। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास जी का शेयर आ जाएगा, ठीक है। और सपोज अब जो नेक्स्ट है आपको क्या निकालना है, एक्स और वाई का शेयर। तो एक्स ने इसको कितना दिया है 1/16, वाई ने कितना दिया 3/16। तो दोनों के ओल्ड रेशो में उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो माइनस कर दोगे तो उनका न्यू रेशो आपको मिल जाएगा, ओके।